कराची इल्मो अदब का गहवारा बन गया। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में 13वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस शुरू। मुल्की और गैर मुल्की नामवर अदीब, दानिश्वर और शोरा इकराम ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। भारतीय अदीब गोबी चंद नारंग ने भारत में उर्दू जबान का नोहा बयान किया। हमेशा तमाम जुमला सामईन मैं देख रहा हूँ कि हाल भरा हुआ है और इट्स वेरी इंस्पायरिंग। सबकी खिदमत में तमाम मुअज्ज़ज़ हाज़रीन की खिदमत। इफ्तिदाई सेशन से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर सकाफत और सियासत सैयद सरदार अहमद शाह ने कहा कि उर्दू के अलावा दीगर कौमियतों की जबानों को कौमी जबान का दर्जा दिया जाए। इस हवाले से जो बिल जेरे इल्तिवा है इसको फौरी मंजूर किया जाए। आर्ट्स काउंसिल के सदर अहमद शाह और इल्मो अदब से वाबस्ता शख्सियात ने आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को खुशाइन करार दिया। अमर जलील के बाद क्या होगा और शमशीर हैदरी के बाद क्या हुआ और इब्राहिम जोयो के बाद अब किस तरह लिखा जा रहा है। बात यह है कि इन सब ने मिलकर समाज पर पहले क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया और अगले बरसों में अदीब, मैं फलसफी को उसमें शामिल करता हूं क्योंकि फलसफा तो आपको पता है रूह है सारे उलूम की। इफ्तिताही सेशन से पीरज़ादा कासिम, जाहिदा हिना, हसीना मोइन, प्रोफेसर सहर अंसारी, इफ्तिखार आरिफ समेत दीगर ने अपने ख्यालात का इजहार किया। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 6 दिसंबर तक जारी रहेगी। कामरान शेख, C110 न्यूज, कराची। C110 न्यूज, खबर की असल खबर।